एमपी में मानसून की एंट्री के साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग भी अलग अलग जगहों पर जाकर प्राकृतिक खूबसूरती को निहार रहे हैं, तो वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास स्थित पाताल पानी में अब जल्द ही हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह में इस ट्रेन के चलने की संभावना है, जहां यह ट्रेन कालाकुंड से पाताल पानी के बीच चलेगी। ट्रेन का ट्रायल रन पूरा किया जा चुका है। बारिश के समय में लोग इस ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। जल्द ही हम इसे पाताल पानी से कालाकुंड के बीच शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हेरिटेज ट्रेन पहले मऊ से कालाकुंड के बीच पे चलती थी। अभी हाल में ही क्या है कि इस ट्रेन को पाताल पानी में से और कालाकुंड के बीच में सेक्शन में किया गया है। तो जो मऊ में फैसिलिटीज़ थी इसको ऑपरेशन की, पिट लाइन की, वो पाताल पानी में दे गई, इसलिए इसमें देरी हुई। और अभी फिलहाल ये सारा हो चुका है और अब जल्दी ये ट्रेन आपको पाताल पानी से कालाकुंड के बीच देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि उसमें क्या है, 10 किलोमीटर का रन में झरने, वादियाँ, टनल और दूसरी जो वो चीज़ें हैं, कोई यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा, बारिश में मौसम में ही लोग ज़्यादा उसमें सफ़र करते हैं। तो अभी जो अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी चलने की संभावना है, क्योंकि पूरे जो ट्रेन ऑपरेशन का पूरा काम हो चुका है। पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि हेरिटेज ट्रेन का किराया पहले की तरह ही रहेगा, जहां इसे जल्द ही तय कर लिया जाएगा। देखिए, वो फैसिलिटी पहले जैसे ही है, क्योंकि टाइमिंग एक्चुअली अभी क्या है कि फिलहाल जैसे ही उसको हम लोग रिजर्वेशन के लिए ऑपरेट करेंगे और इसके बाद में फिर सारी चीज़ें उसमें डिसाइड करेंगे कि कितने बजे क्या है, क्योंकि पैसेंजर को देखते हुए सारा ही ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करके और टाइम बता देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में मानसून की एंट्री के साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग भी अलग अलग जगहों पर जाकर प्राकृतिक खूबसूरती को निहार रहे हैं, तो वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास स्थित पाताल पानी में अब जल्द ही हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।